नमस्कार, मैं हूं मुस्कान अजमानी और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। चलिए रुक करते हैं देश और दुनिया की 100 बड़ी खबरों की ओर। दुनिया में फिर बजा पीएम मोदी का डंका। अप्रूवल रेटिंग में दुनिया की महाशक्तियों को पछाड़ा महाशक्ति बाइडेन को मिला 6वां स्थान। रक्षा निर्यात 15,920 करोड़ रुपए के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंचा, पीएम मोदी ने ट्वीट कर दी बधाई। हावड़ा हिंसा पर बोली बीजेपी, मुस्लिमों पर टिका बंगाल सरकार का अस्तित्व, वोट बैंक की राजनीति कर रही ममता बनर्जी। बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा का दिल्ली सीएम परिवार, केजरीवाल का दिमाग खराब, शराब घोटाले में अगला नंबर इनका। सावरकर के बलिदान को भुला नहीं सकते, राहुल के सावरकर वाले बयान पर विवाद के बाद एनसीपी प्रमुख बोले इसे राष्ट्रीय मुद्दा ना बनाए। आप नेता पृथ्वी रेड्डी ने दिया बड़ा बयान, बोले कर्नाटक हमारे लिए दक्षिण का प्रवेश द्वार, नैरेटिव बदलने की कर रहे कोशिश। केंद्र पर बरसी कांग्रेस, कहा अगर जेपीसी की मांग को कूड़ेदान में डाला जाता है तो दुख की बात है कि विधेयक हंगामे में पारित होंगे। जेल से बाहर आते ही बीजेपी पर बरसे नवजोत सिंह सिद्धू, बोले राहुल गांधी नाम की क्रांति सरकार को हिला देगी। राहुल गांधी को लेकर सीएम भूपेश बघेल का मोदी सरकार पर वार, अडानी पर सवाल नहीं पूछने के लिए प्रस्ताव पास क्यों नहीं कर देते। असदुद्दीन का गहलोत पर हमला, बोले कांग्रेस के यूएपीए प्रेम की वजह से ना जाने कितने ही हजारों मासूम मुसलमानों की जिंदगियां बर्बाद हुई हैं। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किया ओडिशा और आंध्र प्रदेश के विवादित सीमा क्षेत्र का दौरा, कोटिया को बताया ओडिशा का हिस्सा। बंगाल में भाजपा नेता राजू झा की गोली मारकर हत्या, कई राउंड फायरिंग कर हमलावर फरार, हमले में दो अन्य घायल। भाजपा के निलंबित विधायक राजा सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज, भड़काऊ भाषण से जुड़ा है मामला। राहुल गांधी पर मानहानि का एक और केस, आरएसएस ने हरिद्वार में मुकदमा किया, राहुल ने कहा था 21वीं सदी के कौरव हाफ पैंट पहनते हैं। रामकृष्ण मिशन के उपाध्यक्ष स्वामी प्रभानंद जी महाराज का निधन, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने किया दुख प्रकट। सीएम योगी ने बारिश से हुए नुकसान की मांगी रिपोर्ट, कहा जनहानि होने पर पीड़ित परिवार को दिलाए तत्काल सहायता। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह का ममता पर हमला, बोले दयाशंकर पश्चिम बंगाल में रामनवमी पर हुई हिंसा राज्य प्रायोजित। सांसद मेनका गांधी का बड़ा बयान, कहा गधे के दूध का साबुन औरत को रखता है सुंदर, दिल्ली में 500 रुपए में है मिलता, यहां भी बनाए। अखिलेश यादव का योगी सरकार पर वार, बोले जिस सरकार को व्यापारियों की मदद करनी चाहिए वही उनका उत्पीड़न कर रही है।
सांसद सच्चिदानंद हरि साक्षी महाराज का कांग्रेस और सपा पर निशाना, बोले पहले की सरकारें कराती थी दंगा, आज देश में रामराज। आजमगढ़ में मंत्री एके शर्मा बोले बिजली विभाग में सुधार के लिए 17 करोड़ की RDSS योजना, डबल इंजन की सरकार जनता के हित में। एमयूपीसी बनेंगे भाजपा के एमएलसी, प्रोफेसर तारिक मंसूर को एमएलसी बनाने के लिए राज्यपाल को भेजा प्रस्ताव, संघ से नजदीकियों का मिलाना। पूर्व सांसद अमीर आलम को रालौद ने बनाया राष्ट्रीय महासचिव, कैराना सीट से लड़ सकते हैं लोकसभा चुनाव। मायावती ने संभाली निकाय चुनाव की कमान, आज बुलाए जिलाध्यक्ष और मंडल प्रदेश पदाधिकारी की बैठक। कांग्रेस नेता अजय राय का भाजपा पर हमला, बोले अडानी को बचाने के लिए घोटा जा रहा लोकतंत्र का गला। इटावा में 100 फीट ऊंचे मोबाइल टावर पर चढ़ा डाक सेवक, बहाली नहीं होने पर जान देने की धमकी, बेटी बोली पापा नीचे आ जाओ। बंदूक की नोक पर नाबालिग छात्रा से रेप, गोरखपुर में घर में घुसा फिर जबरदस्ती, मांग में भरा सिंदूर, बोला किसी को बताया तो बुरा होगा। तीसरे दिन भी ठंडी नहीं हुई, कानपुर कपड़ा बाजार की आग, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ ने संभाला मोर्चा। सीए श्वेताब कुशांग के हथियारों पर लगेगा एनएसए, कौशिक एंड गैंग के टच में आया हर व्यक्ति पुलिस की रडार पर। छात्रवृत्ति घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग का केस, लखनऊ में ईडी ने भी शुरू की जांच, कॉलेज संचालकों को नोटिस। कारोबारी से धोखाधड़ी में छह के खिलाफ FIR दर्ज, एक्सपोर्ट कराने का झांसा देकर तैयार कराए लकड़ी के हुक्के। लखनऊ की BBD यूनिवर्सिटी में फूड पॉइजनिंग से 70 बच्चे बीमार, लोहिया अस्पताल में भर्ती। हरदोई में बढ़ रहा कोरोना का खतरा, फिर मिला एक कोरोना संक्रमित, सीएमओ ने कन्नौज वाला रुख किया यहां भी अख्तियार। कैदी हत्याकांड में शामिल 17 बदमाश पर लगी गैंगस्टर, 16 अगस्त 2022 को हुई थी हापुड़ में कचहरी गेट पर हत्या। महराजगंज में पुलिस और पशु तस्करों के बीच मुठभेड़, एक सिपाही और तस्कर को लगी गोली, एक आरोपी फरार। फतेहपुर में ट्रेन से कटकर युवक की मौत, अस्पताल में भर्ती, बहन को देखने जाते समय हुआ हादसा, 4 दिन पहले पुणे से आया था। शराब ठेका बंद कराने को लेकर महिलाओं ने किया हंगामा, मौके पर पहुंची पुलिस, महिलाएं को कराया शांत। सोनभद्र में युवक ने सिर में गोली मारकर किया सुसाइड, 2 साल पहले भी मिट्टी का तेल डालकर की थी जान देने की कोशिश। अम्बेडकर नगर में मेडिकल कॉलेज में कई दवाएं खत्म, इलाज के लिए मरीजों को निजी मेडिकल स्टोर से खरीदनी पड़ रही दवाएं। प्रयागराज के 7 अस्पतालों को नोटिस, अग्नि सुरक्षा यंत्र नहीं होने पर नहीं होगा नवीनीकरण, नेहरू कॉम्प्लेक्स में आग लगने के बाद सख्ती।
एमजी के लिए लकड़ी ढोते स्कूली बच्चों का वीडियो वायरल, करंजा ब्लॉक के बरवा प्राथमिक विद्यालय का मामला। झांसी में पहली बार वाहनों की गति पर लगाम, 45 से ज्यादा स्पीड में वाहन चलाए तो कटेगा चालान, दो रूट पर स्पीड 35 रखनी होगी। गाजीपुर में पिकअप की टक्कर से मोपेड सवार पूर्व प्रधान की मौत, पुलिस ने पिकअप समेत चालक को लिया हिरासत में। हापुड़ में दहेज हत्यारोपी पति सहित तीन को आजीवन कारावास, 4 साल पहले पत्नी को दहेज के लिए मार डाला था। चित्रकूट में ट्रक ने बाइक सवार को रौंदा, बाइक सवार की मौत, परिजनों ने हाईवे पर लगाया जाम, ट्रक लेकर चालक मौके से फरार। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी ने की केंद्र की तारीफ, कहा बेहतर सड़क कनेक्टिविटी के जरिए प्रदेश में सीमांत पर्यटन को बढ़ावा मिल रहा है। मुख्य सेवक पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री धामी से की मुलाकात, प्रदेश सरकार द्वारा युवाओं के हित में किए जा रहे प्रयासों के प्रति आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री धामी की सुरक्षा में चूक, बिना मंजूर किए गए मंच पर फेरबदल, मंत्री ने दिए जांच के आदेश। सात साल में पर्यटन क्षेत्र में 5 लाख रोजगार जुटाएगी उत्तराखंड सरकार, अमेरिकी एजेंसी ने पेश किया रोडमैप। उत्तराखंड के सीएम धामी 3 अप्रैल को पीएम नरेंद्र मोदी से करेंगे मुलाकात, कई मुद्दों को लेकर होगी चर्चा। उत्तराखंड जिलाध्यक्षों के नामों पर कांग्रेस दफ्तर में हंगामा, गाली गलौज और हाथापाई तक आई नौबत। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान को मिला नया प्रिंसिपल, कर्नल अंशुमान भदौरिया ने किया कार्यभार ग्रहण। उत्तराखंड के सीएम धामी ने के विभिन्न विभागों की समीक्षा, समग्र विकास के लिए रणनीति पर की चर्चा। देहरादून में क्लस्टर बनाकर कराई जाएगी संयुक्त सहकारी खेती, सभी 95 ब्लॉक में खुलेंगे जन सुविधा और जन औषधि केंद्र। उत्तराखंड में महिला को मरीज बनाकर एम्बुलेंस से की जा रही थी शराब की तस्करी, पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। धामी सरकार के फैसले पर यूपी विद्युत उपभोक्ता परिषद को आपत्ति, एक्ट उल्लंघन को लेकर लिखा पत्र। उत्तराखंड में अगले 24 घंटे में आ सकता है एवलांच, सतर्क रहने की सलाह, चेतावनी जारी। उत्तराखंड में 2 दिनों से हो रही बारिश, बनी खतरा, कई मकानों की दरारें और चौड़ी शिलाओं पर लगे टेक हुए ढीले। उत्तराखंड में पैर पसार रहा है कोरोना वायरस, प्रदेश में मिले 24 घंटे में नए कोरोना के मामले, बढ़ने लगी संक्रमण दर। उत्तराखंड में खिलाड़ियों के यौन शोषण के आरोपी कोच का एक और दुस्साहस, कार्रवाई कर सकती है पुलिस। अमेरिका के 6 स्टेट में 53 टॉर्नेडो, आर्कांसस में 5 की मौत, 30 घायल, सेंट्रल यूएस के 3 लाख घरों में बिजली गुल।
साउथ कोरिया के पूर्व तानाशाह के पोते ने मांगी माफी। 200 लोगों के कत्लेआम पर दादा को पापी हत्यारा कहा, पीड़ित के रिश्तेदार ने गले लगाया। कच्छ बॉर्डर के पास चीन ने बनाए पावर प्लांट, कोयले से 1600 मेगावाट बिजली बनाएंगे शहबाज, बोले ये चीन पाक दोस्ती की मिसाल है। रूस बना यूएनएससी का प्रेसिडेंट, यूक्रेन बोला ये अप्रैल फूल पर सबसे भद्दा मजाक, पिछली अध्यक्षता के दौरान ही शुरू हुई थी जंग। पाकिस्तान में एक साल में 35% बड़ी महंगाई, 68 साल का रिकॉर्ड तोड़ा। चीन ने 16,000 करोड़ का कर्ज चुकाने का समय बढ़ाया। तीन साल बाद चीन पहुंचे जापान के विदेश मंत्री, जापानी बिजनेसमैन की रिहाई का मुद्दा उठेगा, जहरीले पानी पर भी होगी चर्चा। ईरान में हिजाब नहीं पहनने पर मां बेटी पर हमला, पुलिस ने महिलाओं को ही गिरफ्तार किया, राष्ट्रपति बोले हिजाब पहनना कानूनन जरूरी है। किम जोंग के बम ईंधन में विस्तार के आदेश के बाद एक्शन में उत्तर कोरिया, परमाणु साइट पर देखी गई हलचल। इटली में आधिकारिक संचार में अंग्रेजी पर प्रतिबंध की तैयारी, उल्लंघन पर 1,00,000 यूरो जुर्माने का प्रस्ताव। ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक ने प्राइवेट जेट पर खर्च कर डाले 4.5 करोड़ रुपए, विपक्ष जमकर काट रहा बवाल। भारत में बढ़ा जॉबलेस रेट, मार्च में बेरोजगारी दर 7.45% से बढ़कर 7.80% पर पहुंची, ये 3 महीने में सबसे ज्यादा। मारुति की कार खरीदना महंगा हुआ, कंपनी ने 1 अप्रैल से बढ़ाई सभी मॉडल की कीमतें, इनपुट कॉस्ट बढ़ने के कारण फैसला। लॉन्च होने वाले हैं नए स्मार्टफोन, वन प्लस से लेकर पोको और आसुस के फोन होंगे लॉन्च। ट्रैक्रो में मिलेगी 7.85 इंच की फोल्डेबल डिस्प्ले। मार्च में 1.60 लाख करोड़ का जीएसटी कलेक्शन, सालाना आधार पर 13% की बढ़ोतरी हुई, फरवरी में 1.49 लाख करोड़ रहा था। ग्लोबल बनने की राह पर इंडियन करेंसी, भारत और मलेशिया के बीच अब रुपए में भी हो सकता है व्यापार। ओडिशी वेदर इलेक्ट्रिक बाइक भारत में लॉन्च, एक बार फुल चार्ज करने पर चलेगी 125 किलोमीटर सिर्फ 999 रुपए में करा सकते हैं। गणित और रीजनिंग भी सॉल्व करेगा गूगल का एआई चैट बॉक्स, गूगल के सीईओ ने इंटरव्यू में एआई चैट बॉक्स समेत कई मुद्दों पर बात की है। होंडा एसपी 125 भारत में लॉन्च, फुली डिजिटल मीटर के साथ मिलेगा OBD2 कंपाइंड इंजन। रिकॉर्ड हाई लेवल पर भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट, 16,000 करोड़ रुपए का हथियार और गोला बारूद किए निर्यात। अडानी ग्रुप ने खरीदा एक और बंदरगाह। पूर्व भारतीय क्रिकेटर सलीम दुरानी का निधन, 88 साल की उम्र में ली अंतिम सांस, भारतीय क्रिकेट टीम में खेलने वाले पहले अफगानी थे। दिल्ली ने पवेलियन में पंत की जर्सी टांगी, वुड ने हैट्रिक वाली गेंद नो बॉल फेंकी, रूरो अजीबो गरीब तरीके से आउट हुए।
केन विलियमसन आईपीएल के पूरे सीजन से बाहर हुए पहले मुकाबले में चेन्नई के खिलाफ घुटने में लगी थी चोट। आईपीएल में लखनऊ की दिल्ली पर लगातार तीसरी जीत, 15 रन से हराया वुड को 5 विकेट, मेयर्स ने बनाए आतिशी 78 रन। स्पेन मास्टर्स के फाइनल में पीवी सिंधु सिंगापुर के मीन को हराया, साल के पहले खिताब मुकाबले में पहुंची। भिवानी में गोल्डन गर्ल का जोरदार स्वागत, नीतू घनघस ने बॉक्सिंग चैंपियनशिप में जीता गोल्ड, शहर में विजय जुलूस निकाला। आईपीएल 16 में पंजाब किंग्स की जीत से शुरुआत, डीएलएस मैरिट मेथड से कोलकाता को 7 रन से हराया, अर्शदीप सिंह ने चटकाए 3 विकेट। हरियाणा पहुंची शेफाली वर्मा, मां ने आरती उतारी, विमेन क्रिकेटर बोली डब्ल्यूपीएल से नई प्रतिभाएं सामने आएंगी। कोलकाता और दिल्ली के लिए खुशखबरी, आईपीएल के अगले मैच में बांग्लादेश के खिलाड़ी होंगे शामिल। पंजाब किंग्स के लिए भानुकर राजपक्षे का शानदार अर्धशतक, कहा मुझे नहीं लगता कि मोहाली की विकेट सामान्य है। एनएमएसीसी के ग्रैंड इवेंट लॉन्च पर पहुंचे शाहरुख खान, मैनेजर पूजा ददलानी ने शेयर की पार्टी नाइट की तस्वीरें, यूजर्स बोले हमें लगा ये आर्यन है। गफ्फार मार्केट में शूट होने वाली पहली फिल्म है गुमराह, रियल लोकेशन पर शूट करने से सीन्स हो गए थे लीक। ऑल व्हाइट लुक में नजर आई जानवी कपूर, पर्ल से जुड़े ब्लाउज, व्हाइट लहंगे में दिखे गॉर्जियस, वीडियो देख फैंस कर रहे तारीफ। लास्ट स्टेज में है कियारा कार्तिक की फिल्म सत्यप्रेम की कथा, अब कश्मीर में होगी शूटिंग, 29 जून को रिलीज होगी फिल्म। अनुभव सिन्हा ने हर क्रू मेंबर से माफी मांगी थी फिल्म अनेक के फेल होने के बाद, हर एक को किया मैसेज। एनएमएसीसी के पिंक कारपेट पर लगा हॉलीवुड सेलेब्स का मेला, जीजी हैगिट से लेकर जेंडिया तक देसी लुक में दिखेंगे इंटरनेशनल सेलेब्स। साजिद खान से मिले प्रियंका चौधरी, अंकित गुप्ता बिग बॉस 16 के यंगस्टर एमसी स्टैन अब्दुल रोजिक के घमासान पर हुई चर्चा। अपूर्व अग्निहोत्री ने खोला बिग बॉस का काला चिट्ठा, ये स्क्रिप्टेड है, चैनल जानता है कि कौन रिएक्ट करेगा और कैसे। गौरी आर्यन और सुहाना संग नजर आए शाहरुख खान मिल्टो में, वायरल हुई पठान की ये फोटो। अंबानी की पार्टी में झूम के नाचा पठान, शाहरुख संग रणवीर और वरुण ने भी किया जबरदस्त परफॉर्मेंस। देश और दुनिया की 100 बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही, आप देखते रहिए प्राइम टीवी।